हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मुलेठी के फायदों के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो मुलेठी का एक ऐसा भी फायदा होता है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। मुलेठी का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर स्किन पाना चाहते हो तो आपको मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे फेस पैक बनाना बताऊँगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे को बेहतर बना सकते हो। एक बेहतर ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आपको मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे के कालेपन को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं, लाल रैसेस पड़ जाते हैं, काले काले जब्बे आ जाते हैं, साथ ही साथ लाल चकत्ते उत्पन्न होना, चेहरे पर लालीपन आ जाना, कोई खुजली वगैरह होना, इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आप मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने चेहरे पर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज बनाने के लिए आप मुलेठी पाउडर का फेस पैक बनाकर अपने त्वचा पर लगाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज नहीं होगी। अगर आपकी सूखी त्वचा रहती है तो इसको भी अच्छा बेहतर करने के लिए आप मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुलेठी का एक इस्तेमाल होता है, वो होता है आपकी त्वचा के ऊपर अगर कभी भी कोई सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए मुलेठी पाउडर बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। त्वचा की सूजन को दूर करने के लिए मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल एक्ने की समस्या को दूर करता है। बहुत सारे बच्चों को आज के समय में पिंपल की प्रॉब्लम रहती है, अगर किसी को मुहासे की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा चमकदार बना सकता है और एक्ने की प्रॉब्लम को भी पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, मुलेठी का एक फ़ायदा होता है, वो आपके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं फैलने देता। अगर आपके चेहरे पर कोई खुजली दाग धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं तो आप मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल करके अपने चेहरे के संक्रमण को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल आपके स्किन को इतना ज़्यादा बेहतर कर देता है कि आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा रंगत मिल जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक मॉइस्चराइज करने के लिए और एक ऐसा फेस पैक बता देता हूँ जो कि आप मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए दोस्तों, एक कटोरी में आपको 3 चम्मच मुलेठी पाउडर, 2 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। इसको अच्छी तरह से मिला लें। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण के अंदर 1 चम्मच शहद मिलाएं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे प्रकार से मिला लें और आप अपने चेहरे पर इसे अच्छे प्रकार से अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को अच्छे प्रकार से धो लें। जब कभी भी आप अपने चेहरे पर इसे अप्लाई करें तो किसी ब्रश के सहारे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो हल्के हाथों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को अच्छे प्रकार से धो लें। आप इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करें तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इससे दोस्तों आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आपका चेहरा बहुत ही जल्दी सुंदर बन जाएगा। चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बता देता हूँ। दूसरा इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए दोस्तों, मुलेठी, ककड़ी और गुलाब जल। इन तीनों के सहारे आप अपना एक अच्छा सा फेस पैक बना सकते हैं। आपको चाहिए 4 चम्मच मुलेठी पाउडर, 2 चम्मच ककड़ी का रस। इन दोनों को मिक्स कर लें। इसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर और गर्दन पर लगाएं। इस पेस्ट को आप दिन में 1 बार ही लगाएं और 1 हफ्ते के अंदर आपको 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। यह और दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। यह दोस्तों आपके लिए बेहतर तरीका होता है अगर आप अपने चेहरे से पिंपल की प्रॉब्लम, दाग धब्बों की प्रॉब्लम, त्वचा से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।